कर दो सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर वी हैव डन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर एडजेक्टिव को स्टूडेंट व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दीज एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म फ्रॉम सम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे हैज, प्रॉपर नाउन्स, इंडिया, अमेरिका, रसिया, बुद्धा। ओके स्टूडेंट, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दीज आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। हाउ टू चेंज इंडिया, इंडियन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अमेरिका, अमेरिकन। नेक्स्ट रसिया, रशियन। बुद्धा, बुद्धिस्ट। एंड फिफ्थ नंबर पर जैसे ब्रिटेन, ब्रिटिश। स्टूडेंट, सो वी कैन चेंज। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन चेंज प्रॉपर नाउन्स आर चेंज इनटू प्रॉपर एडजेक्टिव्स लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, इंडिया, इंडियन। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट, इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। एंड नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव्स इंडियन। ओके स्टूडेंट, एंड वी हैड रेड अबाउट नाउन लास्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो इंडिया प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करेंगे इंडियन। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से अमेरिका, अमेरिकन, रसिया, रशियन, बुद्धा, बुद्धिस्ट, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इंडियन। जो वहाँ के जो लोग होते हैं स्टूडेंट, रेजिडेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे इंडिया, इंडिया के नागरिक है उनको क्या कहेंगे? इंडियन। ओके स्टूडेंट, अमेरिकन, रशियन, बुद्धिस्ट और ब्रिटिश। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप दैट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट कि ये प्रॉपर नाउन होता है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल जैसे यू आर एन इंडियन, यू आर एन इंडियन। ओके स्टूडेंट, यू वेंट टू इन फॉरेन कंट्री एंड समवन पर्सन हु आस्क्ड यू कि हु आर यू एंड आंसर दैट
यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसकी जो विशेषता है स्टूडेंट वो क्या है, इंडियन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इसी प्रकार से अमेरिकन। सम पीपल आस्क वेयर आर यू कम फ्रॉम। ओके स्टूडेंट, फॉरनर कम इन इंडिया एंड सम पर्सन आस्क वेयर आर यू कम फ्रॉम, तो ही सेड आई कम फ्रॉम अमेरिका। इट मीन्स ही इज एन अमेरिकन। ओके स्टूडेंट, तो अमेरिकन, रशियन, बुद्धिस्ट, ब्रिटिश, दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। Yesterday I met a Buddhist monk. Yesterday I met a Buddhist monk. Okay student, अभी देखो ये क्या है, adjective है। इट मीन्स कि नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, तो ये क्या है, नाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और ये क्या है, एडजेक्टिव। इस मोंक की, ये जो मोंक है, साधु कहते हैं जिसे, इस साधु की विशेषता क्या है कि ये बुद्धिस्ट है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? American people are rich. American people are rich. मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो यहां पर people नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव का यूज किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है स्टूडेंट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को स्टूडेंट संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज adjectives which point out these adjectives which point out demonstrative adjectives are
this, that, those, these adjectives which point out a person or thing is meant demonstrative adjectives are these, that, those, such. Our mind. It is okay, student. Demonstrative adjectives are these, that, those, such, our, my, etc. etc. These are demonstrative adjectives. This is used for singular. These is used for plural. Is that clear, student? These and these are used for near. Okay, student? That and those are used for far. Is that clear, student? Examples. This book is very interesting. These pens are expensive. That building is very old. I praise such people. Okay, student, so there are four sentences we can find demonstrative adjective. This book is very interesting. This book is very interesting. This is used for near. Okay, student, this is used for similar. Is that clear, student? So this ke baad किसका यूज होगा? नाउ. नाउन से पहले मैंने क्या बताया था? नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है. तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड. बिफोर नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से दीज इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, दीज पेन्स आर एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, तो दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड. आई प्रेज सच. सच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, नाउन से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सम पीपल आर कंफ्यूज्ड एज रिगार्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट, तो कुछ बच्चे होते हैं
जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो इन दीज सेंटेंसेस दीज दैट सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स नॉट sometimes the students are confused. Sometimes the students are confused as regards demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. Demonstrative adjective demonstrative pronouns. First this boy is brave. This boy is brave. Okay student, these books are fine. What did I say student? Demonstrative about the demonstrative adjectives. I told that students ki noun or pronoun se pehle demonstrative adjective ka use kiya jata hai. These are demonstrative adjectives. Okay student, we can use before the noun and pronouns. Okay student, as noun, this is a noun. Okay student, and before noun क्या demonstrative adjective. Before noun किसका use किया हमने? Demonstrative adjective का use किया है. This boy is brave. Okay student, तो demonstrative means क्या होता है? संकेत करना. This boy is brave. तो this क्या है? Demonstrative boy noun है, तो ये क्या हो गया? Demonstrative adjective. These books are fine. Okay student, तो these क्या है? Demonstrative adjective. Is that clear student? How can we change demonstrative adjective
it changes into demonstrative pronouns. What is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronouns? Difference is that this boy is brave. This is a brave. This is a brave boy. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अब ध्यान देना कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या यूज हुआ है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस प्लस वर्ब। ओके स्टूडेंट, डेमोंस्ट्रेटिव डी मींस डेमोंस्ट्रेटिव और ये क्या है प्लस में वर्ब। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से दीज बुक्स आर फाइन बनेगा कैसे, कैसे चेंज करेंगे, दीज आर फाइन बुक्स, दीज आर फाइन बुक्स। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू मस्ट understood demonstrative adjective, is that clear student? And difference between adjective and demonstrative pronouns. Okay student, next interrogative, next hamara student ye complete hua, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज एडजेक्टिव्स द क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, दीज एडजेक्टिव्स आस्क द क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स फर्स्ट विच पीपल Do you like? Next, what time will you come? Next, how much milk do you need? These sentences are interrogative sentence. Okay student, which people do you like, interrogative sentence hai kyunki end of the sentence student. I also told about the interrogative sentences कि अगर WH family से starting होती है और end of the sentence question mark का symbol दिया हुआ है तो it means these are interrogative sentences.
Okay, student. So which people do you like? What time will you come? How much milk do you need? Okay, student. These are interrogative adjective sentences. Next, interrogative adjectives and interrogative pronouns. First, which cow is yours? Second, whose cycle is yours? Is that clear, student? Interrogative adjective, student, is which cow is yours? End of the sentence, question mark, symbol. Next, whose cycle is yours? Interrogative sentence ka interrogative symbol diya hua hai. Is that clear, student? Ab inko change karna hai, student, interrogative pronouns mein. So which is your cow? और दोनों सेंटेंस का स्टूडेंट एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो, इन दोनों का ही, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही निकलता है स्टूडेंट. ओके, जैसे विच काउ इज योवर्स, तुम्हारी गाय कौन सी है, आपकी गाय कौन सी है? Which is your cow? आपकी गाय कौन सी है? Okay, student, इन दोनों का ही मतलब एक निकलता है. Whose cycle is yours? Whose is your cycle? Okay, student. So we can change like this method. Okay, student, interrogative adjectives it change into interrogative pronoun. Interrogative adjective mein interrogative wh ho gaya student, aur plus mein interrogative plus mein noun. Yahan par interrogative plus me verb, end of the sentence question mark ka symbol diya. Okay, student, next, jo student wo पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव स्टूडेंट संबंधवाचक विशेषण. संबंधवा